हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त चेतना और स्वागत करती हूं आपके चैनल चेतनास लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं कि मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है और काफ़ी ज़्यादा खिली खिली ये दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक डिफरेंट तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी और आई होप सो आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये साबूदाना कितना अच्छे से गल चुका है और कितना ज़्यादा खिली खिली ये साबूदाने की खिचड़ी हमारी बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी साबूदाने को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर ले लिया है और साथ ही साथ 2 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है और 1 टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है और कुछ भुनी हुई मूंगफली के दाने हैं और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है और 1/2 नींबू है और मसालों में मैंने लिया है 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून सेंधा नमक और कुछ भुनी कुटी मूंगफली। पैन ले लिया है और पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और अब ऑयल गर्म होने के बाद में मैं यहाँ पर ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरे को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ध्यान रहे हमें इसे जलाना नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च को डाल रही हूँ और थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। जस्ट 1 मिनट मैंने हरी मिर्ची को ऑयल में फ्राई करके और उसके बाद में मैंने मूंगफली के दाने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसे 1 मिनट के लिए चलाएंगे और टमाटर को अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। लगभग 3 मिनट फ्राई होने के बाद में अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है, अब मैं उसे टमाटर के साथ डाल रही हूँ और काली मिर्च भी मैं अभी ही ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेंधा नमक है और इसे अब मैं चलाऊंगी और 1 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी। और अब इसमें बारी आती है साबूदाना ऐड करने की। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुनी कुटी हुई मूंगफली और अब हम इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे।
और 3 मिनट चलाने के बाद अब हम इसे लिड से कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। और आइए देखते हैं 5 मिनट के बाद में फ्रेंड्स हमारी साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी कितनी ज़्यादा खिली हुई बनी है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आलू अवॉइड किया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और अब मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी साबूदाने की खिचड़ी कितनी ज़्यादा खिली खिली बनी है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनी है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा साबूदाना कितना अच्छे से गल चुका है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स आप सभी को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी साबूदाने की खिचड़ी कितनी ज़्यादा खिली खिली बनी है और साबूदाना अच्छे से गल भी चुका है। और आप देख लीजिए कि ये कितनी ज़्यादा यमी लग रही है। और आप डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई करिए, आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि साबूदाना एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है, सारा साबूदाना अलग अलग खिला खिला बना है। और आप इस तरीके से अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।